बाकी कुछ खुशखबरी है और कुछ न्यू एंट्रीज हैं, और न्यू एंट्रीज ऐसी हैं कि दबंग वाली जो न्यू एंट्रीज होती है ना, वो दो तीन न्यू एंट्रीज इंशाल्लाह आई हैं। किसे बारिश हुई है ओए, दबंग हमारा माशाल्लाह। लो भाई, कजले साहब जो मस्ती कर रहे थे ना, वो खुल के आ गए मस्ती। देखो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, और लास्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, और बारिश के बाद कल भी बारिश का एक टेन्योर चला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। परसों जो बारिश हुई थी उसमें थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि हवा और थंडर स्टॉर्म बहुत बुरी तरीके से आया था गिडाब में, खासकर क्योंकि म्यांमार में, और म्यांमार और गिडाब जो हैं काफ़ी ज़्यादा करीब लगते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चली थी, क्योंकि खुला एरिया है, और खुले एरिया में काफ़ी ज़्यादा हवा ने जो है ना काफ़ी लोगों का नुकसान भी किया है, और गिडाब के बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि परेशान हुए में इस टाइम भी, के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसी का छपड़ा उड़ गया है, किसी का पेनाफ्लेक्स मामला सारे ख़राब हुए में, और किसी का क्या कहते हैं सोलर पैनल सारे उड़ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना दूसरे लोगों का हुआ है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सुकून रहा यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी हवा चलने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं अभी इस वक्त ब्रीडिंग सेक्शन पे खड़ा हूँ, आप पीछे देख सकते हैं मेरे सारी बाड़ में जो हैं सारे बच्चे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे ब्लर में, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन आपको सारा ब्रीडिंग सेटअप दिखाएँगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लैया से काउज़ वगैरह आई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर पहुँच गई थी, और यहाँ से जो लैया गई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड सिक्योर पहुँच गई हैं काउस। अब उनका प्रोसेस जो है वो शुरू होगा इंशाल्लाह लैया में इंसेमिनेशन का, और बाकी यहाँ पे जो आई थी काउस अल्हम्दुलिल्लाह इंसेमिनेटेड काउस आई हैं यहाँ पर, और डॉक्टर आके देख के जा चुका है माशाल्लाह से, अब अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको आज ऐसा करते हैं कि फार्म की सिचुएशन वैसे ही दिखा देते, क्योंकि लास्ट वीडियो थोड़ी सी अंधेरे में बनी थी तो कुछ इतना ख़ास दिखा नहीं होगा, लेकिन ये है कि ओवरऑल सिचुएशन दिखा देता हूँ। हमारे सामने ही एक बड़ा सा दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है, लेकिन वो भी उस हवा से जो है ना, इतना पुराना दरख्त भी जो है ना वो घिर गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नौइयत की जो है ना वो हवा चली है, और गिडाब में काफ़ी लोगों का जो है ना नुकसान हुआ है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खैर आफ़ियत करी, जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कुछ न्यू एंट्रीज़ भी आई हैं आज के दिन, भी एक न्यू एंट्री आई है तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो में हम लोगों को मज़ा आएगा। अच्छा पहले तो मैं आपको ओवरऑल सिचुएशन दिखा देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू हो गई है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा मेहताब सफाई करने में माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूख गया है सारा पानी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ब्रीडिंग काउस ये रही हमारी जो कि लैया से आई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच चुकी हैं, और माशाल्लाह से भाई हमारी पुरानी काउस में से जो दो काउस हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच गई हैं, टैग नंबर 21 माशाल्लाह से, ये हमारी पुरानी काउस में से एक है, एक हमारी ये आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाया भाई, क्या बात है, ये हमारी भाई सुंदर हैं, और सुंदर की जो बेटी हैं उनसे ज़रा मुलाकात करवाते हैं, इसकी ज़रा खोलते हैं और इसको ज़रा सुंदर से मुलाकात करवाते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है भाई, और सुंदर की अम्मा, सुंदर कौन सी ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी भाई कुछ बच्चे आप लोगों को रेंडमली दिख रहे होंगे, ये मैं कह रहा था कि कट्टू में और उसमें हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा सा बेहतर करके ना, क्योंकि ये जो काउज ली गई थी जगह जगह से, तो उनके साथ के बच्चे हैं ना ये, क्योंकि जो इतनी क्वालिटी में और इतने कोई ख़ास उसमें नहीं है, क्रॉस में हैं कुछ बच्चे, ज़्यादातर क्रॉस में ही हैं, छोटे छोटे बच्चे ही आप लोगों को लग रहे होंगे 3-4 महीने के, लेकिन ये तकरीबन 10 महीने 8 महीने से ऊपर के ही बच्चे हैं। तो बहरहाल जाहिर सी बात है क्वालिटी पर बात है, और माशाल्लाह से और भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लेकिन ये तीन बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह से, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक तरीके से कट्टू तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये इनको भी अच्छी खुराक मिले तो ये भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन पे भी थोड़ा देखेंगे इनको कि कहाँ तक इनकी, अगर अच्छे तौर पे इनको लेके चला जाता है तो फिर कहाँ तक ये बच्चे जाते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं और मज़ीद नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारे जो जैकपॉट है ना वो भी इन्हीं के साथ जो है ना वो घूम रहा है। तो बहरहाल वीडियो कंटिन्यू करते हैं,
और वीडियो में आप लोगों को ये बच्ची भी, माशाल्लाह क्या बात है। तो ये सारी इंसेमिनेटेड काउज हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे इनका अब जो है ना वो प्रोसेस मज़ीद आगे की तरफ रागिब होगा। तो ये है सिचुएशन यहाँ की। बाकी यहाँ पे हमारी पुरानी काउज बंधी हुई हैं माशाल्लाह से, और यहाँ से काफ़ी सारी काउज जो हैं आप लोगों को नहीं दिख रही होंगी, ये हमारी आगे ब्राउनी माशाल्लाह, ये भी अब नियर टू डिलीवर है माशाल्लाह। बाकी ये माशाल्लाह से सेट जा रही है हमारी जैकपॉट वन की अम्मा है ये माशाल्लाह। बाकी और मज़ीद भी काउस या आई मीन नहीं, तो देखें, अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला इन पे भी अपना रहम करम करें और अच्छे से इनकी डिलीवरी हो जाए। और अभी तो टाइम है खैर, लेकिन ये है कि बस दुआओं में याद रखिएगा। ये है ब्रीडिंग सेटअप, थोड़ा सा हमारा थोड़ा बहुत यहाँ पर गीला रह गया है इंशाल्लाह, तो ये भी बेहतर हो जाएगा वक्तन फवक्तन। बाकी मैं आप लोगों को ज़रा दरख्त दिखाता हूँ ना कि दरख्त का क्या हाल हुआ है। ये देखिए, मैंने दीवार तो आप लोगों को दिखाई थी, अब इन्होंने जो है ना ये लगा दिए जाली, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, ये पंखड़ियाँ जो होती हैं ना छपड़े के ऊपर जो लगती हैं, सारी दीवार इनकी जो है ना पूरी गिर गई थी। वो ज़्यादा सी बात है, भूसा है इनका, भूसे के बर्डन से जो है ना ये सारी दीवार जो है ना गिर गई थी और छपड़ा इनका लेकर ही उस दीवार को ना गिर गया। बाकी ये देखें, इतना पुराना जो हमारा दरख्त था ना, वो भी जो है ना वो जड़ के समेत जो है ना वो निकल गया, ये देखना। बाकी हमने एक पेनाफ्लेक्स बाहर लगाया था और उसी दिन लगाया था जिस दिन बारिश हो रही थी, तो ये भी बेचारा जो है ना उसी दिन जो है ना ख़राब हो गया और फट गया सारा ना, जो डेल्फा में हम लोगों ने, डेल्फा बोल रहा हूँ, मंडी में जो हमने लगवाया था। देखें, ये देखना, जड़ समेत जो है ना ये निकल चुका है, अल्लाह खैर करे जी। तो यहाँ की भी सिचुएशन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, और ये देख सकते हैं सारा पानी वानी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नाला हमने बना दिया था ना, ये वाला, ये जो जा रहा है ना नाला, इधर से जो है ना बड़ा फ़ायदा रहा, क्योंकि हमने वक्ती तौर पे एक वो चल रही थी एक लाइन, हमने बोला इसको ज़रा पक्का कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उससे ये हुआ कि पानी अब रुकता नहीं है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए क्या बात है भाई, रॉक की कलर बहुत ज़्यादा इसने अब मज़ीद चेंज करना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। दिलबर यार, इसका नाम भी रखना पड़ेगा दिलबर, एक और भी है हमारे पास बच्चा ना माशाल्लाह। तो ये सिचुएशन है, ज़रा सामने वाले शेड पे चल लेते हैं और वहाँ से दिखाते हैं। देख सकते हैं थोड़ा बहुत ही कीचड़ है जो कि कमी है, ये मैं समझता हूँ जिस तरीके से बारिश हुई है। ओए होए दबंग हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये बच्चा जो है ना बहुत आउट क्लास बनने वाला है ये इंशाल्लाह। ये अभी से अपना जो है ना रोब दिखा रहा है माशाल्लाह। बाहर आ गया, अभी पानी पिला रहे हैं इन सभी को माशाल्लाह से, और काफ़ी बेहतरी है, कल से काफ़ी बेहतरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना इधर शेड से भी आ रहा है, वो देख रहे हैं ये डाउन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा कीचड़ है। यहाँ पर अभी जानवर खड़े नहीं कर रहे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही सारे जानवर जो है ना वो खड़े किए हैं। बाकी चौक बार यहाँ बंधा हुआ है हमारा ब्राह्मण, गुलाबी ब्राह्मण यहाँ पे बंधा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारा भाई कजला, कजले ने जो हाइट करी है ना माशाल्लाह, इसको कल देख के जो है ना मैं हैरान हो गया हूँ। ये मेरे जो है ना तकरीबन कंधे पे आ रहा है अभी इस वक्त ना, ये देख रहे हैं फ्रेम इसने जो अपना चौड़ा किया है माशाल्लाह, क्या ही कहना है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़रे बस से बचाए इस बच्चे को हमारे। और अभी ये इस फ्रेम में जो है ना ये खीरा है, अभी ये खीरा है अभी बता रहा हूँ ये मैं आप लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह से भाई हमारा ये है भाई हमारा दिलबर। हाँ बच्चा, इसके पास में अभी खड़ा हुआ था और प्यार कर रहा था। अरे तुम तंग कर रहे हो उसको यार माशाल्लाह, ये प्यार करवाया जा रहा है करवाया जा रहा है, और हमारी चप्पल पे ये एग्जैक्टली चप्पल पे खड़ा हुआ है। बस बच्चा वो मार रहा है ना, मस्ती चाह रहे हैं दोनों, भी वंडा निपटा के फारे हुए हैं सारे बछड़े। ओए होए मुन्ना भी, क्या बात है मुन्ना की यार, फुल शो चल रहे हैं मुन्ना भी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये आ गया भाई रुहेल का माशाल्लाह, यार नाम नहीं रखे रुहेल के बछड़े का, नाम ही नहीं रखा, पता नहीं क्या रखना है भाई, बताएं आप लोग। काफ़ी लोगों ने वैसे कल के लास्ट वीडियो में तो कमेंट करें कि इसका नाम ये होना चाहिए, तो देखते हैं एक दिन ऐसा करेंगे कि सबके नाम जो है ना वो डिसाइड करेंगे एक वीडियो में ना इंशाल्लाह। और कुछ कमेंट आए हैं भाई कि भाई आप जो है वो जो नया बच्चा आया है उसके साथ आप अपने कारायल को खड़ा करें माशाल्लाह। और कारायल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वैसे तो मैं इसको हाइड कर दूंगा ना,
कुछ दिनों में इंशाल्लाह, फिर ये भी जो है ना हाइड होके फिर इंशाल्लाह दिखेगा ना, फिर मज़ा आएगा। बाकी माशाल्लाह हमारा मोगेम्बो क्या ही बात है, चौड़े हड्डे कर रहा है भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई। कारा यल चेक करें, ओए होए क्या तबाही, लेंथ हाइट माशाल्लाह से निकाल रहा है। बाकी ये लोग वहाँ से बछड़े निकाल निकाल के ना ज़रा बाहर खोल रहे हैं ताकि उनको हवा भी लग सके, थोड़ी हवा थोड़ी कम ही चल रही है, हब्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि अंदर शेड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा हब्स हो रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि बछड़े जो है ना वो बाहर कर दो इनके। माशाल्लाह अभी तो सारे ही है ना मस्ती में आ गए, सभी के सब जो है ना वो मस्ती में चल रहे हैं माशाल्लाह। भाई ये बच्चा जो है ना एक अलग ही लेवल है इस बच्चे का जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये काला अबलग हमारा माशाल्लाह, कुछ बछड़ों के वैसे नाम भी डिसाइड करने हैं भाई, न्यू एंट्रीज में है। उफ़ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, मोज़े चेक करो बच्चे के भाई, चारों पैरों पे मोज़े हैं। इसका नाम तो हमने रख दिया भाई मोज़ा, ठीक है ना, आप लोग बताइए कैसा है इसका नाम माशाल्लाह। बाकी इसका 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 नाम मोज़ा रख दिया भाई, इसका मोज़े मोज़े पहना हुआ है ना मोज़ा। बाकी यार ये बच्चा मेरे दिल को बहुत लगा था, जो कि फिर हमने इसका सौदा किया, मोरे वोरे सबके चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो मंडी वाले जो मोरे थे बिल्कुल ही बेकार और बिल्कुल ही ख़राब चल रहे थे माशाल्लाह। अभी सफाई करी है, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा बारिश का जो मौसम है ना वो थोड़ा सा कम हो तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से इनको नहलाएंगे भी, और फिर इनके शक्ल जो है ना और मज़ीद सामने आएगी। लो भाई कजले साहब जो मस्ती कर रहे थे ना वो खुल के आ गए, मस्ती देखो, लड़े ना, ये मस्ती मस्ती सबकी मस्तियाँ जो है ना वो शुरू हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल भाई, और ये आ गया भाई काला माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ये अब लग माशाल्लाह से भाई क्या ही बात है, इसकी बात चल रही है इंशाल्लाह, ये भी एक दो दिन में इंशाल्लाह डन हो जाएगा माशाल्लाह। ये भी सुथरा कलर जिसे कहते हैं ना वो कलर है बच्चे का, इसकी भी अभी बात चल रही है, ये भी इंशाल्लाह अवेलेबल फॉर सेल तो है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी कुछ ही दिनों में इसका भी डन हो जाएगा। बाकी हमारा पाड़ा पाड़ा भाई तसल्ली से आप लोगों को नहीं दिखाया था माशाल्लाह से, इसका फेस देख रहे हैं, ओए होए 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 क्या बात है माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह से ये हमारा बिग जाइंट माशाल्लाह, नाम तो खैर रख दिए हैं, हल्की फुल्की खराशें आएंगी इनको तो ज़ाहिर सी बात है गाड़ी से उतरना चढ़ना जो है ना वो लगा हुआ रहता है, अब इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। बहुत बड़ा बछड़ा है और ये अभी निकाला ही इसने एक दांत है, तो इन फ्यूचर में ये देखें कहाँ जाता है। बाकी न्यू एंट्री में भाई हमारा एक बच्चा ये आया है माशाल्लाह से, और ये आज ही आया, आज ही उतरा है माशाल्लाह। इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह लास्ट में लगा दूँगा लोडिंग और अनलोडिंग की, खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह से क्या बात है। बाकी ये आ गया भाई एक और हमने जो मंडी से लिया था चीना माशाल्लाह, ओए ओए ब्यूटी है भाई। तो भाई कुछ बच्चे जो मैं नहीं दिखा रहा ना वो इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि उनको इंशाल्लाह बाद में जाके जो है ना आप लोगों के सामने करूँगा माशाल्लाह। ये आ गया भाई, ये भी अवेलेबल फॉर सेल था लेकिन उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, ये आ गया भाई आमिर भाई का बछड़ा माशाल्लाह, पहला हमारा बछड़ा आ गया आमिर भाई का इंशाल्लाह। उनके तो आपको पता है कि दो तीन होते ही होते हैं माशाल्लाह। ये भी बड़ा फ्रेम बड़ा साइज माशाल्लाह से है बच्चे का, और ये आ गया भाई मुर्शिद माशाल्लाह, बहुत फ्रेम में है बच्चा माशाल्लाह से, कॉल आ रही ज़रा उठा लें। बाकी मुर्शिद माशाल्लाह से, ये भाई हमारा बछड़ा माशाल्लाह से, इसका नाम भाई हमने मुर्शिद रख दिया, बहुत स्ट्रक्चर वाइज बहुत मजबूत जिसे फ्रेम कहते हैं ना माशाल्लाह से, उस फ्रेम का ये बच्चा है माशाल्लाह से। अभी से हड्डे इसके इतने चौड़े हड्डे हैं माशाल्लाह से, और हाइट माशाल्लाह से अभी खीरा है ये भी। बाकी भाई मैंने ये बछड़ा आप लोगों को नहीं दिखाया था, जो कि हमने समझ लिया कि ज़ाहिर पीर से जो है ना ये लोड हुआ था ये बच्चा, और ज़ाहिर पीर से लोड होने के बाद यहाँ पर आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खैर सेल हो गया, लेकिन माशाल्लाह से मंडी से नहीं भाई, ये आसिम भाई जो हमारे थे उनके घर से ये बच्चा हम लोगों ने लिया था माशाल्लाह से, तो उन्होंने गाड़ी में भिजवा दिया था, उनके घर पर ही माल उतरा था आप लोगों को बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास से ये बच्चा समझ में आया था तो ये लोड करवा लिया था। बाकी भाई हमारे हमारे मिल्की, हाँ बच्चा अपने बच्चों की बात ही अलग है ना, अपने बच्चों की कदर एक अलग ही है, जब मंडी में जब जानवर देखते हैं और यहाँ पे अपने जानवर देखते हैं तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है पलट के एतबार से ना। अरे गोल मटोल गेंद हो गया ये तो पक्षी,
क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी ओए ओए इस मोर को चेक करें भाई, फुल स्ट्रेच होके खड़ा हुआ है। हाँ बच्चा क्या हाल है? बाकी शान हसन की तो क्या ही बात है माशाल्लाह। वकास भाई के बछड़े माशाल्लाह से, ओए ओए माशाल्लाह यार, ये बच्चा जो है ना वन ऑफ द टॉप बछड़ों में से एक इंशाल्लाह ये बनेगा। और माशाल्लाह इसका नाम भी नहीं रखा यार, इसका नाम भी रखना है। इसका नाम मेरे ख्याल से रख दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या रखा था हमने ना, मान पूछ रहा था मुझसे, मैंने उसको बताया था इसका नाम वो रख देते हैं। तो बहरहाल याद आया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इसका नाम हमने क्या रखा था लास्ट। ये वो बच्चा है जो कि मंडी से उठाया था और बहुत अच्छी लेंथ हाइट में जा रहा है माशाल्लाह से बच्चा अभी से, और दिख रहा है कि ये इसकी प्रोग्रेस जो है ना माशाल्लाह से हो रही है। ये मेरे कमर के पास आ रहा था, अब कमर से जो है ना वो पेट की तरफ आ रहा है ये बच्चा, अब पेड़ अच्छी हाइट लेंथ कर रहा है माशाल्लाह से बच्चा, क्या बात है। बाकी ये जो हमारे चीता, हमारे चीते हैं ये माशाल्लाह। बाकी एक न्यू एंट्री हमारी ये हुई थी भाई माशाल्लाह, खूबसूरत बच्चा है ये भी, न्यू एंट्रीज में आ रहा है ये भी माशाल्लाह। बाकी ये ज़ाहिर पीर वाले बच्चे हैं, नूर भाई के तीनों बच्चे माशाल्लाह से, एक बच्चा ये है नूर भाई का, एक बच्चा नूर भाई का ये है, और एक बच्चा नूर भाई का ये वाला है। तो ये तीन बच्चे जो है ना नूर भाई के हैं, और ये एक है हमारे स्पेशल क्लाइंट समझ लें, स्पेशल दोस्त समझ लें। तो इंशाल्लाह वो आएंगे तो उनके सामने ही इसको डिस्क्लोज़ करेंगे। इसका नाम हमने वैसे तो अस्वद रख दिया है माशाल्लाह से, और इसकी क्या एक आईज़ जो है वो वाइट है और एक आईज़ जो है वो ब्लैक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये अलग बच्चा हमारा माशाल्लाह, खूबसूरत पड़े चल रहे हैं इनके आपस में ना। बाकी सारे बछड़े ना बाहर ला के बांध दिए, देख सकते हैं थोड़ा सा छपड़े की वजह से थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्बेंस हुई भी है, क्योंकि जब तक बारिश का मामला नहीं होता ना तो ख़त्म नहीं होता, तो तब तक जो है ना ये ऐसे ही रहने वाला है। और जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि अगर बारिश नहीं होती ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से बनवा लें शेड को माशाल्लाह। तो ये सिचुएशन है भाई फार्म वन की। अच्छा दोस्तों, तो भाई रात के व्लॉग में जो है वो हम एंडिंग करना भूल गए थे, मैंने कहा कि एंडिंग भी कर दें, और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम तो नहीं है, खैर 12 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फार्म पर, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और फार्म पे क्यों जा रहे हैं भाई, ये आप लोगों को अगले व्लॉग में इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं। बाकी कुछ खुशखबरी है और कुछ न्यू एंट्रीज़ हैं, और न्यू एंट्रीज़ ऐसी हैं कि दबंग वाली जो न्यू एंट्रीज़ होती है ना, वो दो तीन न्यू एंट्रीज़ इंशाल्लाह आई हैं, वो आप लोगों को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में यानी कि शाम के व्लॉग में आप लोगों को देखने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद है आज की वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा, और एक स्पेशल चीज़ भी हमारी आई है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उसकी क्या कहते हैं अनाउंसमेंट करते हैं। तो उम्मीद है आज के व्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया होगा, यहाँ लेंगे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।